आगामी 17 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको लेकर के सप्ताह दिवस की तैयारी चल रही है। हमारे बीच में अंकित त्यागी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अशोकनगर वार्ड से हैं। क्या शुभकामना देना चाहेंगे मोदी जी के जन्मदिन पर? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन, सोच बदलो कुछ अच्छा ट्राई करो। इस बार हमारा पूरा भारतवर्ष जो है वो मोदी जी के जन्मदिन पर उसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है, और इसके उसमें काफ़ी प्रोग्राम पार्टी ने सबको दिए हुए हैं। कार्यकर्ता खुद प्रोग्राम उठा रहा है और जगह जगह पर अपने प्रोग्राम सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी को जन्मदिन की बधाई के तौर पर देगा। क्या शुभकामना देंगे मोदी जी को? मोदी जी को तो हम ये चाहेंगे, मोदी जी आप अगली साल भी हमारे प्रधानमंत्री, मतलब जो अगले टर्म में जी अपने फिर से प्रधानमंत्री आए, और देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। मैं देश में सही काम हो रहा है, देश बहुत प्रगति से आगे बढ़ रहा है मोदी जी के राज में। और मैं ये कहना चाहूँगा, कोरोना काल में जैसे कि हमने देखा, जो भी मोदी जी का आह्वान रहा, पब्लिक ने उसमें बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और मोदी जी के हाथों को मजबूत करा। वहीं चारों मंडल अध्यक्षों को क्या शुभकामना देंगे? हम नियुक्त मंडल अध्यक्ष रोहतास नगर और आपका रामनगर, अशोकनगर वेलकम, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उन सभी का कार्यकाल जो है वो बहुत ही अच्छा रहे, और सारे चारों चेहरे सही रहे, सारे पार्टी के आदमी हैं, सारे पुराने जमीनी नेता रहे हैं, और पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है मंडल अध्यक्ष के तौर पर, और मैं मुझे पूरा विश्वास है कि बखूबी वो अच्छे ढंग से उसको निभाएंगे। वहीं जिला अध्यक्ष की बात करें, मास्टर विनोद जी, वो भी आप, विनोद जी भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने काफ़ी पदों पर रहते हुए पार्टी का काम किया है, मजबूती से काम किया है। अभी पूर्व में वो जिले के महामंत्री रहे हैं, और अब जो पार्टी ने उनको नई जिम्मेदारी दी है और वो उसको बहुत अच्छे से उसका निर्वाह कर रहे हैं। अशोक नगर वार्ड में आप रहते हैं, अनिल कटारिया मंडल अध्यक्ष बन करके आए हैं, सही है चेहरा? पार्टी हमारी जो पार्टी है वो एक परिवार वाली जी पार्टी नहीं है कि भाई इसका मतलब बेटे का ही मतलब बाप का ही बेटा बनेगा जी, ये वाली नीति नहीं है कांग्रेस की तरह। यहाँ पार्टी चुनती है, जमीन से उठाती है, कार्यकर्ता की कार्यशैली को देखती है और तभी उसको ऊपर लेके आती है। सामने चुनौतियां भी हैं 2022 नगर निगम चुनौतियां हैं, बट हम इसको बहुत अच्छे से इन चुनौतियों को ओवरकम करेंगे, क्योंकि अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो वो बखिया बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भाजपा की। आम आदमी पार्टी केवल एक झूठी पार्टी है, हमने कोरोना काल से अब आज तक देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर ना तो गरीबों के लिए जो राशन आया ना तो वो ढंग से राशन बटा, ना तो यहाँ पे जो पानी की सप्लाई जो होती है उसके शुद्ध पीने का पानी नहीं है, तो ये जो और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कर्मठ नहीं है, तो मैं मानूं कि हमारी कोई टक्कर ले पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह तो आज से शुरू हो चुका है, क्या क्या रणनीति आप लोगों ने तैयार की है हमारा हर रोज की? युवा मोर्चे के मैं जैसे जुलाई में उपाध्यक्ष हूँ, तो हमें इस माध्यम से ब्लड डोनेशन का एक कैंप मिला है जिले के अंदर करने के लिए, और उसका स्थान और उसका समय जो है वो फिक्स हो चुका है। आज भी मैंने अपने एक एनजीओ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, एनलेचिंग लाइफ फॉर डेवलपमेंट, उसके माध्यम से आज हमने 70 तुलसा जी के पौधे वितरित किए हैं। निगम पार्षद हमारी मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी सभी सम्मिलित थे इसके अंदर, और आगे भी अभी शाम को भी एक रामनगर में प्रोग्राम है जिसमें सिलाई मशीन वितरण होगा, और हमने एक बुजुर्गों के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम रखा है जिसके अंदर हम चश्मे के साथ साथ हम बुजुर्गों को लाठी देंगे जी चलने के लिए, जो कि एक उनका सहारे के तौर पर उनका काम करेगी। कोरोना काल भी है, सेवा सप्ताह भी है, मोदी जी का जन्मदिन भी है, कैसे मैनेज होगा? आप देख रहे हैं बखूबी मैनेज हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता मोदी जी को बधाई देने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहे हैं, और ये जो सेवा सप्ताह ये अपने लिए नहीं है, ये औरों के लिए है, उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए है जिनको कहीं ना कहीं ज़रूरतें रहती हैं। अब जब गरीब जनता को आप फल वितरण करोगे, मजबूर जो व्यक्ति हैं उनको आप बैसाखी देंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, उनका प्रधानमंत्री देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति एक ऐसी, मैं मानता हूँ कि ऐसी जिज्ञासा उनके मन में जगेगी कि हमारे लिए भी कोई पार्टी है जो काम कर रही है,